पानीपत में रविवार को गौशाला महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक में प्रदेश के लगभग सभी जिलों के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में गौशालाओं के लिए बनाई गई विभिन्न पॉलिसियों का विरोध किया गया। दरअसल गौशालाओं के लिए सरकार ने 456 करोड़ रुपए का बजट बनाया था, लेकिन एक साल में सिर्फ 80 करोड़ रुपए ही जारी किए गए, जिससे हरियाणा गौशाला महासंघ नाराज है। महासंघ के प्रदेश संयोजक कुलबीर खरब ने कहा कि इसको लेकर पानीपत में जीटी रोड स्थित श्री गौशाला सोसाइटी में बैठक की गई। सभी ने एकमत होकर कड़ा फैसला लिया है कि अगर सरकार आचार संहिता हटने के बाद गौशाला संघ की मांगों को पूरा नहीं करेगी तो प्रदेश की सभी गौशालाओं के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, सभी नंदियों को सड़क पर छोड़ दिया जाएगा। अभी हमारी मीटिंग चल ही रही है, ये हमारा मुख्य मुद्दा है कि चारा अनुदान राशि गोचरण भूमि भी गौशालाओं को दी जाए। सरकार चाहती है कि बेसहारा गोवंश रोड पे ना घूमे, तो ये दो चीज ग्रांट में गांव की फिरनी पक्की होया करती, मेरे से ज्यादा आप लोगों ने पता है मैचिंग ग्रांट का आ जाता है, तो आधे पीछे गांव वाले का जी सरकार की तरफ से ये मांग करता हूँ कि आज दे दे दो, आज ये समाज दे देगा, गौ का पेट भर जाएगा और गौ रोड पर चढ़ जाएगी। प्रतिदिन का हम कई बार मांग कर चुके, ये मांग क्या तकलीफ हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है, सरकार अनाउंस कर दिया बजट 456 करोड़, स्कीम भी बना दी सर, ये सुनने से करके जहां तक रफली मेरा आइडिया है 15-20 हजार गोवंश हरियाणा में गौशालाओं में जा चुका है। अभी यहाँ के हमारे पानीपत के जिला अध्यक्ष का दर्द जी रविंदर भाई इन्हें बता हमने टैग ना मिलते, फिर कह देंगे भाई गुलाबी टैग, ऐसा क्यों करी है सरकार को? या तो कोई योजना स्कीम बनाओ ना बनाओ तो उस पर पूरी उतारो, गौशालाएं सही तरीके से सरकार गौ सेवा कराना चाहती है। मेरी बार बार यही प्रार्थना है कि कम से कम गाय ले ली, फिर भी वो नहीं मिल रही, तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री ये दरखास्त करता हूँ भाई आप पर कैसे विश्वास रहेगा, आपका कहना कैसे मानेगी गौशालाएं, फिर कहोगे गौशालाएं मना कर रही है, मेरी पर्सनल बात हुई है, क्या भाई तू देना करेंगे आज मैं 100 गौ लूंगा, क्योंकि उसको मिलेगा उसको खिलाने के लिए। मैं कोई धर्म का काम करना चाहता हूँ तो समाज या सरकार उस काम को सुचारू रूप से कर पाऊंगा, ये हमारी कमेटियां गौशालाओं की, एक तो इनके ऊपर इतने कागज थोप दिए, नो डॉक्यूमेंट मांग लिए सरकार ने, जवान जो समिति के मेंबर है गौशाला के, ये किसी से कोई तनख्वाह लेते हैं, अपने घर की रोटी खा के आते हैं, समाज की सेवा करने का इनका शौक है, और उनके ऊपर भी इतना मतलब वो हिसाब किताब रखने का, जो अनुदान राशि देती है उसका खर्चा जरूर मांगो, हमारे से हिसाब मांगो, हम देने के लिए तैयार है, फिर यूं थोड़ा अगर नो डॉक्यूमेंट चढ़ाओ पोर्टल पर, ये गलत, सरल होना चाहिए। जी जी, इसको लेकर क्या कुछ है थोड़ा सा? जी मैं पहले ये बता दूं, मेरा नाम कुलवीर खरब है और मैं इस जो आज ये बैठक हो रही है इसके संगठन का नाम है गौशाला महासंघ हरियाणा। ये हरियाणा की सभी गौशालाओं का एक यूनिटी है, एक बड़ा संगठन है सभी की। बार बार ये हर जिले से हर गौशाला से बार बार ये मांग आ रही थी कि भाई सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई पॉलिसी के अकॉर्डिंग सरकार काम नहीं कर रही, सरकार ने पीछे पॉलिसी बनाई कि भाई 400 करोड़ का 456 करोड़ रुपया सरकार गौ सेवा पर खर्च करेगी और खर्च हुआ कुल 80 करोड़ यानी रुपए में से 17.5 पैसे सरकार ने खर्च कराया, और सरकार कहती कि बेसारा गौवंश को गौशालाओं में लिया जाए, उसके लिए फिर सरकार एक नई पॉलिसी बना देती है भाई जो गौवंश गौशाला में जाएगा 2 साल से छोटे का 20 रुपये देंगे, गाय का 30 रुपये देंगे और नंदी का 40 रुपये देंगे। लेकिन सरकार ने वो पॉलिसी बना करके इंप्लीमेंट में नहीं लेकर के आई, जनवरी महीने से ये पॉलिसी इन्होंने लागू कर दी। हमारे अपने यहाँ पानीपत के अंदर की मैं अगर बात करूँ, ओवरऑल स्टेट की भी मैं बता सकता हूँ, भिवाणी में, हिसार में, पानीपत में, भिवाणी में 1300 गौवंश लिया गौशाला ने, श्री गौशाला ने, एक पैसा वहाँ नहीं गया। हिसार में, डंडूर में राजेंद्र गावड़िया जी ने 1000 गौवंश लिया, एक पैसा वहाँ नहीं गया। पानीपत के अंदर नैन गौशाला में राजरूपानु जी जहाँ अध्यक्ष हैं नैन गो बैठने के, इन्होंने तकरीबन 850 गौवंश लिया, एक पैसा इनको नहीं मिला। तो सरकार ऐसी पॉलिसी क्यों बना रही है कि भी जो पॉलिसी इंप्लीमेंट में ना लाई जा सके, ये सरकार की पॉलिसी के प्रति रोष है गौ भक्तों के अंदर।
उससे पहले एक पॉलिसी लेके आई थी कि जो गौचरान जमीन है वो गौशालाओं को गौ सेवा के लिए दी जाओगी। जैसे पॉलिसी बनाई कि भाई 100 गौवंश पे अगर गौशाला निर्माण का कार्य करते हैं तो 1.25 एकड़ ज़मीन दी जाएगी और चारा बिजाई के लिए 1.5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी इतनी लंबी चौड़ी बना दी कि वो पहले आम सभा में पास होगा, ग्राम सभा में, फिर वो पंचायत में पास होगा, फिर BDPO को जाओगा, फिर DDPO को जाओगा, फिर DC को जाओगा, DC के मार्फत वो फिर डायरेक्टर पंचायत को जाएगा, डायरेक्टर पंचायत उसको कैबिनेट में भेजेगा। तो ये प्रोसेस इतना लेंथी है। ये 2015 में कभी सरकार ने बनाया था और आज तक एक भी गौशाला को 1 इंच जगह नहीं मिली। तो सरकार जो इस तरह की पॉलिसियां बना रही है, इन पॉलिसियों के अगेंस्ट, इन पॉलिसियों के विरोध में आज ये गौशाला महासंघ ने गौशाला प्रतिनिधियों को बुला करके, मीडिया को बुला करके, मीडिया के समक्ष ये बात रखने के लिए, बात करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। अभी 31 मार्च को अभी जो नवनियुक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने मंच से कहा कि भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने बजट 400 करोड़ कर दिया और गायों को चारे की व्यवस्था कर दी, सड़कों की व्यवस्था कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस किसी ने भी ये सूचना दी कि भाई 40 का 400 करोड़ हो गया, उन्होंने साथ में ये भी बताना चाहिए था कि इस 400 में से सिर्फ 80 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ, यानी 17.5 पैसे खर्च हुआ। तो इस तरह से ऐसी पॉलिसी ना बनावें और इस तरह का प्रचार ना करें कि जो दानदाता लोग हैं जिन्होंने डोनेशन देना है, अब गौशाला वाले जाते हैं, हम भी जाते हैं मांगने के लिए कि भी गाय के लिए डोनेशन दे दो, तो सामने से जवाब आता है भाई सरकार ने 456 करोड़ दे दिया, अब भी आप मांगते घूम रहे हो, सरकार ने सारी जिम्मेदारी ले ली, अब भी आप मांग रहे हो। तो सरकार ने खुद भी नहीं दिया और दानदाता को भी रोक दिया। तो इस तरह का काम ना करे सरकार। और अब जो मांग है, बिल्कुल सीधी सी एक मांग है कि जो बजट पिछला था 31 मार्च तक का जो बजट था, वो फरवरी महीने में 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी रहे मनोहर लाल खट्टर जी भूतपूर्व, उन्होंने अनाउंस किया था और वो था 31 मार्च 2024 तक का। अब वो पैसा लैप्स हो गया, अब कह रहे हैं अगला बजट कर दिया 510 करोड़ का। इसको फिगर को ना बढ़ावें, इस फिगर को इम्प्लीमेंट में ला दें, सिर्फ इतना सा कहना है हमारा, ताकि बेसारा गौवंश सड़कों पर ना रहे, इनकी अच्छी सेवा हो और प्रदेश का नाम भी पूरे देश में जावे और अदर स्टेट भी इस हरियाणा को फॉलो करें कि भी जैसे हरियाणा के अंदर गौ सेवा का काम चल रहा है, सरकार और समाज मिलकर कितना अच्छा तालमेल से काम कर रही है, ये पूरा देश इस चीज़ को देखे और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट में लावे, इतना सा कहना हमारा। कब तक इम्प्लीमेंट का आप मांग कर रहे हैं और अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आगे कोई बड़ा कदम भी आप उठा सकते हैं? अभी सरकार के पास समय है, आचार संहिता की कोई बात नहीं है, पैसा डिप्टी डायरेक्टर्स के अकाउंट में भेज दिया था, आयोग के पास पैसा आया हुआ है, सरकार खर्च करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी खर्च कर दे, अदरवाइज इलेक्शन के तुरंत बाद जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है, MP इलेक्शन है जो लोकसभा का, इसके तुरंत बाद सरकार हरियाणा विधानसभा से पहले पहले इस पैसे को खर्च करके एक आदर्श स्थापित करने का काम करे, अदरवाइज गौशालाएँ मजबूर हैं। ये ना हो कि भाई जो बेसारा गौवंश को अंदर लेने वाली बात थी और गौशालाएँ इकट्ठे होकर मीटिंग करके ये तय कर लें कि भाई जो मेल है, जो सांड है, नंदी है, कम से कम उनके बाड़े तो खोल दें, इस तरह के निर्णय लेने पर सरकार गौशालाओं को मजबूर ना करे, ये संदेश हमारा। अपना परिचय दें। मेरा नाम कुलवीर खरब है, मैं 2013 से 2022 तक हरियाणा सरकार में गौ सेवा का मेंबर रहा और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का भी मैं मानद सदस्य रहा हूं और अभी मैं इस गौशाला महासंघ का कोऑर्डिनेटर संयोजक के नाते सेवा दे रहा हूं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।